खामोशी से। ये हाशमी साहब आए हुए हैं, ये अफगान मुहाजरीन को और तालिबान को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। मैं दो मिनट के लिए उनको कहूंगा कि आके थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ताकि आप लोगों को उधर से अफगानिस्तान का भी पैगाम आप तक पहुंच जाए। जिहाद का जो आज फतह मुबीन आपको मिली है, ये ज़ियाउलहक शहीद की बरकत और उनके कुर्बानियों का नतीजा है और उनकी बातें हमें आज याद आ रही है। सिद्रे बजे वे दिशते आओ अक्टूबर तारीख उलसम या अतलसम आओ दगा मर्द हक ये वो खबर है वो कवला वो ये लिए से अफगानिस्तान पर आजाद से खुदा से बबी आप अखबल मापे कि जगड़ा सरक हुई हो मुख हो वायर से जिया साहेब दा खबर है बिल्कुल तुम कवा मुझ जगड़ा न कहूँ खुदरा तो खाम खादे कहूँ। रात के 3 बजे थे और मुझे याद है कि अक्टूबर का महीना था और मर्द हक जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे कहा कि आप लोग जंग जीत जाएंगे लेकिन आपस में खाना जंगी का शिकार होंगे। इन्होंने कहा कि मैंने उनसे फरमाया कि आप ये बात ना करें, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक की बसीरत को सलाम कि उन्होंने कहा कि ऐसा वो कर रहेगा। जर्नल साहब जर्नल साहब युवा बची हुआ रहमतुल्लाह अलैहा से आगजीन निमेदला आगजीन बकल लदना चश्मे वाकिस्तले आउदब और तुल से शर्म करो मुजाहिदीन रागले दी आगजी अबुल हक मरहूम او هغه د دغه مبارک بچی چې د هغه حالات کیفیت یې همیشه له مرض سره وو هغه زمانه تیره شوه او موږ څه چې د خبره وکوله موږ یقینا په مشکل باندې سو خو بل وخت کې بیا به وویل چې انشاءالله افغانستان به فتح کیږي او تاسو به په آرام باندې زندگی کوئ او د همیشه دپاره به بیا افغانستان د دنیا د مسلمانانو لپاره یو نمونه وي۔ जनरल साहब की उस वक्त बीमार बेटी थी। हम मुजाहिदीन जब उनसे मिलने जाते थे तो कभी वो उनकी ऐनक
खींचती, कभी उन्हें तंग करती। वो माजूर बच्ची, उन्हें मना करते थे कि बच्ची इस तरह ना करो, क्योंकि मुजाहिदीन आए हैं, इनकी कदर करो। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त आएगा कि आप लोग अफगानिस्तान को फतह करोगे और आप पूरी उम्मत के लिए एक नमूना की तरह पेश होगे। दे जनाबे जर्नीर साहब शहीद यहाँ हम मुबारक और दीदी मल करो अल्लाह दानूर फिलदु सरवु वो बावलपुर की सिकुम शहादा वो अल्लाह दीद टूल हो दरजात आलिव कर दी अब्दुल रहमान साहब आगा आगा शख्सियत वो सिद्ध आगा बच्चों बयान वो कम खुलार उस खबर राल अपनी की सिद्ध दीद खबर बांधे यो मुहाजिर लिख रही थी यो शेर ये लिख रहे था आगा मजनाक शेर दे दिया लिख रही थी आई खाक तेरा दिल बरी मारा अजीज दार आई खाक तेरा दिल बरी मारा अजीज दार इन नूर चश्मे मास किधर बर गिरफ्त है ए तो रोखा दिमाग दिल पर सर ख्याल कवा जका दहा इंसान दा से जमा दिस तर गुरना दा ونن دی تاپ ہیک کدا مجاہدین اسلام زندہ باد زندہ باد حضرت فرما رہے ہیں کہ شہدائے بہاولپور کو سلام جو ان کے ساتھ شہید ہوئے اور آج بھی افغان مہاجرین کی نگاہیں ان کی محبت جنرل ضیاء الحق شہید اور اعجاز الحق صاحب کے ساتھ ہے।